بسم الله الرحمن الرحيم. हिंदी में चैप्टर नंबर 12 हमारा चल रहा था, बेस कैटलाइज रिएक्शन जो है। तो इसमें सारे एक ही मैकेनिज्म से हैं, तो मैंने कहा ये नेक्स्ट उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। बेस कैटलाइज एडिशन रिएक्शन हमारे पास था बेटा, ये जनरल मैकेनिज्म था कि बेस का मॉलिक्यूल था वो न्यूक्लियोफाइल में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते थे, तो न्यूक्लियोफाइल को मोर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना देते थे। वो फिर बेस के ऊपर अटैक करता था, सॉरी कार्बोनल कंपाउंड के ऊपर, और कार्बोनल कंपाउंड पे अटैक की वजह से जो डबल बॉन्ड होता है कार्बन के ऊपर अटैक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाली, और डबल बॉन्ड जो है वो टूट के ऑक्सीजन की तरफ माइनस चार्ज बन जाता है। वो पानी में से हाइड्रोजन लेके OH ग्रुप बना देता है और जो बेस होती है वो वापस हो जाती है। ये जनरल मैकेनिज्म था, ये हमने HCN पे भी अप्लाई किया था इसी तरह कि NU की जगह CN आ गया था। फिर इसी तरह हमने यही मैकेनिज्म सोडियम बाइसल्फाइड पे भी अप्लाई किया था कि H एक तरफ था और SO3 Na जो है वो Nu की जगह पे आ गया था। और नेक्स्ट हमारे पास था, अब आज जो हमने डिस्कस करना है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन का लफ्जी मतलब तो ये होता है कि जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े और उनमें से कोई छोटा सा मॉलिक्यूल निकल जाए और पिछले ग्रुप आपस में जुड़ जाए तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। जैसे आपको याद होगा हमने ये रिएक्शन ये बात हमने की थी चैप्टर नंबर आपका 11 में ना, अल्कोहल्स के रिएक्शन थे डिहाइड्रेशन के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो उसमें हमने बात की थी कि अगर वो एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर निकलता है तो वो एलिमिनेशन है और डबल बॉन्ड बन जाता है, लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल जो है वो आपस में उनके दरमियान में से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो वो मिल के आपस में ईथर बना देते हैं, तो वो वाला उनका जो है वो वाला जो रिएक्शन था जिसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएं और दरमियान में से कुछ हिस्सा एक मॉलिक्यूल का निकल जाए कुछ दूसरे का, उसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। नॉर्मली ये होता है। अब यहाँ पे जो हमने कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करनी ना, इस जगह पे ये रिएक्शन वो है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच जरूर हुए हैं लेकिन उनमें से रिमूवल वाला पार्ट जो है ना वो कोई नहीं है, आपस में ही एड अप हो गए। जैसे यहाँ हम नाम दे रहे हैं अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल इसलिए कह रहे हैं कि ये अल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ एच अल्डिहाइड है, ये दूसरा मॉलिक्यूल भी अल्डिहाइड का है और इसमें से ये जो एक हाइड्रोजन है ये निकलती है, ये जो उसने अलग से शो की है ये पिछले जो मॉलिक्यूल उसकी जो ऑक्सीजन है उससे जुड़ जाती है, यानी ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गई तो ये OH बन गया, डबल बॉन्ड सिंगल हो गया और ये वाली जो सी एच वाली कार्बन है ये जाके सी एच टू के साथ जुड़ जाती है, तो यानी ये सी एच थ्री सी एच हो गया और डबल बॉन्ड वो खत्म हो के OH बन गया और ये आगे सी एच टू के साथ जुड़ गई, अगला हिस्सा सारा वैसे ही आ गया, तो ये एक आपके पास मॉलिक्यूल बन गया जिसको हम अल्डोल बोलते हैं। अल्डोल इसलिए कि ए एल डी अल्डीहाइड से निकला हुआ है और ओ एल जो है वो अल्कोहल से निकला हुआ है, तो इसके अंदर आपको अल्डीहाइड का फंक्शनल ग्रुप भी नजर आ रहा है और इसमें आपको OH अल्कोहल का भी नजर आ रहा है, तो इस वजह से इसको अल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं कि अल्डीहाइड भी मौजूद है और अल्कोहल का OH ग्रुप भी मौजूद है। तो एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद रखना है कि अल्डोल कंडेंसेशन होती क्या है, एक ये पॉइंट है। तो हम कहते हैं कि अल्डीहाइड जो कीटोन जो है, अच्छा उसमें अब ये देखिए ये भी एक शर्त आपने याद रखनी कि ये अब यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से निकली है जो ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ी है और ये वाला सी एच टू फिर इधर कार्बन के, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का होना जरूरी है, और इसका अगर आप मैकेनिज्म देखें तो उसमें भी वही चीज है,
एच एन यू जो आपने शुरू में जनरल वाला किया वही वाली बात है, एच है और इसके साथ ये पूरे का पूरे को एन यू अगर आप समझ लें तो ये एन यू है सारा, ठीक हो गया। और एच निकल गया बेस ने उसी तरह और ये एन यू के ऊपर माइनस चार्ज आ गया। बाकी उसी तरह इसने फिर अटैक किया कार्बोनाइल की कार्बन पे, डबल बाउंड वाली ऑक्सीजन टूट के ऑक्सीजन से माइनस हो गया, वो फिर पानी से हाइड्रोजन लेके OH बना लेता है उसी तरह। सर अगर हाइड्रोजन ना हो तो फिर फिर रिएक्शन नहीं होगा ना, यही तो इसकी वो शर्त है ना, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से हाइड्रोजन निकली, ये तो मैकेनिज्म तो वही ये फॉलो। अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ जी, अल्फा हाइड्रोजन बनेगी। एल्डिहाइड है ना, ये सी कार्बोनाइल एच जो एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ वाली कार्बन अल्फा होगी और अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होना जरूरी है। ये पीछे आप डेफिनेशन देखें ना तो उसमें ये उसने लिखा हुआ कि एल्डिहाइड और कीटोन पोजेसिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, कि वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो वो रिएक्शन करेंगे बेस की साथ और ये अल्डोल का प्रोडक्ट जो है वो बना देते हैं और इस रिएक्शन को हम अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। तो शर्त यानी यही है कि अल्फा हाइड्रोजन वहां पे मौजूद होनी चाहिए। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है डिफाइन एल्डोल कंडेंसेशन, उसमें आप ये पहले दो लाइनें लिख देंगे कि वो एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वो ये कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं, इसलिए इसको एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं और बेस की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल कहेंगे तो ये एक दो तीन उसने एग्जाम्पलें दी हुई हैं, तीनों में से कोई से दो दे दें। एक एल्डिहाइड की कर, ये पहली दोनों एल्डिहाइड की हैं तीसरी कीटोन की है, तो आप एक एल्डिहाइड वाली कर लें एक ये कीटोन वाली कर लें, ठीक हो गया। एल्डिहाइड और एल्डिहाइड की कंडेंसेशन आ गई तो ये प्रोडक्ट है बेस की मौजूदगी में, और दूसरी ये कीटोन वाली कर लें कि प्रोपानोर और प्रोपानोर दोनों का इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास ये कीटोन बन जाती। उसके बाद है एक शॉर्ट क्वेश्चन ये होगा जी डेफिनेशन और एग्जांपल का। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो पास पेपर में भी आया, राइट द अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग, इस तरह क्वेश्चन है जैसे वो कहे कि राइट द अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ एथानॉल, तो एथानॉल का एथानॉल के साथ ये बना दिया, या प्रोपानॉल का कहे तो ये रिएक्शन, या प्रोपानोन का कहे ये रिएक्शन, कोई भी और भी हो सकते हैं। तो मतलब आपका काम यही होगा कि आप एल्डिहाइड्स को इस तरह आपस में लिख लें, जो दूसरे वाला है उसके सी जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको साइड पे कर लें और उस पहले वाला जो एल्डिहाइड है उसकी ऑक्सीजन के साथ उसको अटैच करना है आपने, डबल को सिंगल कर देना है और जो कार्बन है उसको वहाँ जो सी एच बचा होगा जिससे आपने हाइड्रोजन निकाल लिया है उस कार्बन के साथ जाके जोड़ देना, तो आपका प्रोडक्ट बन गया, वो जो भी आएगा आपको पता चल जाएगा। बाज दफा पेपर में आपका सवाल इस तरह भी हो सकता है, ये आया नहीं है मैं बता रहा हूँ कि इस तरह भी हो सकता है आपसे कहे जी कि एथानॉल से थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बना दें कन्वर्ट कर दें, तो आप पहले थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये एक दो तीन चार, थ्री पे हाइड्रोक्सी हो गया और चार कार्बन को ब्यूटेन से ब्यूटा नॉल हो गया ना एल्डिहाइड की वजह से, तो थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब स्ट्रक्चर बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये एथानॉल का स्ट्रक्चर है और ये इसका, तो ये डबल हुआ होगा, एक ये एथानॉल है और एक ये दूसरा एथानॉल है जिसमें उसकी कार्बोनाइल जो था वो डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन OH में बदल गई है, तो आपके जेहन में आ जाएगा ये एल्डोल कंडेंसेशन है, तो बस ये रिएक्शन इस तरह लिख देंगे। एक पॉइंट होगा जी, दूसरा पॉइंट जो आपके पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आया भी हुआ है कि यही जो आपके पास थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल जिसकी अभी हमने बात की कि एथानॉल से को बेस रिएक्शन कराएं तो ये थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बन गया, और इसकी अगर आप एसिड से डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवाएं और हीट भी करें तो एलिमिनेशन होती है OH ग्रुप और इसके साथ वाली कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाता है और दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाता है, तो इस ये जो डबल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट इसको बोलते हैं क्रोटोनल्डिहाइड, ये इसका जनरल नाम है क्रोटोनल्डिहाइड। पास पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि कन्वर्ट एथानॉल इंटू क्रोटोनल्डिहाइड, एथानॉल को क्रोटोनल्डिहाइड में कन्वर्ट करें, तो फिर हम दो रिएक्शन लिखते हैं, पहले तो एथानॉल का एथानॉल से करा के ये वाला थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बनाया और फिर उसको डाइल्यूट HCl से हीट करके क्रोटोनल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे एक पॉइंट, एक सवाल आप कह सकते हैं कि सर OH तो ठीक है रिमूव हुआ तो उसके साथ वाली कार्बन से हाइड्रोजन जानी है तो इधर से गई तो यहाँ डबल बॉन्ड, तो इधर से तो भी जा सकती है ना, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन सकता है, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता, हमें सिर्फ यही वाला प्रोडक्ट मिलता है ये जो बना हुआ है। उसकी वजह क्या है,
ये जो डबल बॉन्ड है ना, वो ये जो कार्बोनाइल वाला डबल बॉन्ड, इसके साथ ना डबल सिंगल डबल, हमने पीछे भी बात की थी, अब इस तरह डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल हो फिर डबल बॉन्ड हो, तो इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। और जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू जो सिंपल अकेले अलग अलग जो डबल बॉन्ड होते हैं, तो इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, इसलिए यही प्रोडक्ट बनता है वो दूसरी इस साइड, यानी ये कॉर्नर वाला, यहाँ पे डबल बॉन्ड हमारा नहीं बनता, यहीं पे बनता है क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में आके स्टेबल हो जाता है। एक सवाल शॉर्ट क्वेश्चन ये होगा जी कन्वर्जन वाला, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका इसका पास पेपर में आया भी हुआ है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी मुमन आ जाता है कि मैकेनिज्म अल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म लिख लें, तो उसमें आप ये तीन स्टेप्स उसके शो कर देते हैं तो ये मैकेनिज्म मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद है जी कैनिजेरो रिएक्शन, ये इम्पोर्टेंट अल्डोल कंडेंसेशन का इम्पोर्टेंट रिएक्शन आपका उसके हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से या लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। उसके बाद है जी कैनिजेरो रिएक्शन आपका, अच्छा अब वो एल्डिहाइड, अब एल्डोल कंडेंसेशन आपने पढ़ा कि वो एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे, और जिनके पास ना हो, कंडीशन हम सेम दे रहे हैं, उसमें भी बेस ऐड किए इसमें भी बेस ही ऐड हो रही है, लेकिन वहां पे जो बेस मॉलिक्यूल थे वो जब आते थे तो उसको एल्डिहाइड में से अल्फा हाइड्रोजन मिल जाती थी और बेस वो हाइड्रोजन कैप्चर करके तो न्यूक्लियोफाइल बना देती थी और ये सारा रिएक्शन आगे चलता था। लेकिन जब आप एल्डिहाइड या कीटोन ऐसी लें जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक हो गए, जैसे ये अब फॉर्मल्डिहाइड उसने दिया हुआ है, इसमें आपका ये फंक्शनल ग्रुप है और इसके इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो है कोई कार्बन अटैच ही नहीं है, तो मतलब अल्फा कार्बन भी नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो उनको अगर बेस में आप ऐड करेंगे तो वो कैनिजेरो रिएक्शन शो करते हैं, उनका जो रिएक्शन होता है वो फिर कैनिजेरो रिएक्शन होता है। कैनिजेरो रिएक्शन क्या होता है, एक तो ये एमसीक्यू में भी याद रखना है कि एल्डिहाइड्स व्हिच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो कैनिजेरो रिएक्शन। दूसरा पॉइंट, इट इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये अलग से इसका शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी बनाते हैं कि जी जस्टिफाई करें कैनिजेरो रिएक्शन जो है वो एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, और इस तरह सवाल भी बनाते हैं कि जनाब वो कैनिजेरो रिएक्शन जो है उसके डिफाइन करें, डेफिनेशन लिख दी, फिर वो कहते हैं जी कि इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट कौन सा है और रिड्यूस वाला प्रोडक्ट कौन सा है वो भी बता दें। अच्छा सेल्फ ऑक्सीडेशन, ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्या मतलब है कि एक ही मालिक्यूल, फॉर्मल्डिहाइड है ना, तो यही मालिक्यूल, इसके दो मालिक्यूल आएंगे, एक मालिक्यूल इसका ऑक्सीडेशन में चला जाएगा एक मालिक्यूल इसका रिडक्शन में चला जाएगा, एक मालिक्यूल इसका ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व हो जाता है एक मालिक्यूल इसका रिडक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड का, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ही स्पीशी एक ही जो है वो एटम या मॉलिक्यूल वो ऑक्सीडेशन भी हो रही हो उसकी और उसकी रिडक्शन भी हो रही हो, ऐसे रिएक्शन को हम नाम देते हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। अगर वो पूछे डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन क्या है तो हम कहते हैं वो रिएक्शन जिसमें सेम स्पीशी ऑक्सीडाइज भी हो रही है और रिड्यूस भी हो रही है उसको हम नाम देते हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। और कैनिजेरो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है इसलिए कि जैसे फॉर्मल्डिहाइड की मैंने एग्जांपल या आपने रिएक्शन देख लें कि बेस की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है, तो एल्डिहाइड की रिडक्शन करें, आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि अल्कोहल हो ना हमारे पास, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड है प्राइमरी अल्कोहल की, और एल्डिहाइड की मजीद ऑक्सीडेशन हो तो वो एसिड में चला जाता है। अब ये और अगर हम वापस आए यानी एसिड की रिडक्शन करें तो अल्डिहाइड है और अल्डिहाइड की रिडक्शन करें तो वापस अल्कोहल में चले जाते हैं। अब इसने आपको दो प्रोडक्ट दिए, एक अल्कोहल का दिया और एक एसिड का दिया। अल्कोहल का प्रोडक्ट क्यों आया है कि इस एक कार्बन वाली अल्डिहाइड की जब रिडक्शन की है तो एक कार्बन वाला अल्कोहल भी मिल गया हमें, तो ये रिड्यूस प्रोडक्ट है, ये जो मैथनॉल अल्कोहल बना हुआ है ये इस रिएक्शन का रिड्यूस प्रोडक्ट है कि ये रिडक्शन के बाद हमें मिला है, ठीक हो गया। और ये जो अगला है एच सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ये असल में एसिड था लेकिन वो बेस की वजह से साल्ट बन गया ना, तो एसिड कैसे बनता है जब आप अल्डिहाइड जो है इसकी ऑक्सीडेशन हो तो एसिड बनता है, तो हम कहते हैं कि सर ये वो रिएक्शन है जिसमें अल्डिहाइड का एक मालिक्यूल जो है वो ऑक्सीडेशन में जा रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जो हमें साल्ट की शक्ल में मिलते हैं, ठीक हो,
कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया जो हमें साल्ट की शक्ल में मिलता है, ये इसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। और एक मॉलिक्यूल इसका जो रिडक्शन में जाता है और वो हमें अल्कोहल की शक्ल में मिलता है, वो उसका रिड्यूस प्रोडक्ट होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका था कि कैनिजर रिडक्शन जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये डिफाइन करें या जस्टिफाई करें और इसमें ऑक्सीडाइज और रिड्यूस प्रोडक्ट भी बताएं। तो उसमें आप फिर ये लिख के नीचे लिख देंगे, ऐसे अल्कोहल के नीचे लिख देंगे ये रिड्यूस प्रोडक्ट है, और इस एसिड के जो साल्ट बने इसके नीचे लिख देंगे ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ये ऊपर वर्डिंग में भी लिखा हुआ है कि टू मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड इन्वॉल्व, वन मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल रिड्यूस प्रोडक्ट और अदर इनटू द एसिड इन द साल्ट फॉर्म वो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। ठीक हो, एक दूसरी एग्जांपल इसने दी है बेंजल्डी, ये फॉर्मल्डिहाइड की एग्जांपल थी, ये बेंजल्डिहाइड है। इसमें भी देखे ना, ये कार्बन है, ये आपकी फंक्शनल ग्रुप है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है, ये जो कार्बन कॉर्नर बेंजीन का कोना है वहां पे अटैच है, तो उसके ऊपर आपको पता है पीछे हमने स्ट्रक्चर बेंजीन का पढ़ा था कि हर कार्बन के ऊपर एक ही हाइड्रोजन होती है बेंजीन के अंदर, उस हाइड्रोजन को हटा के तो ये फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब यहाँ अल्फा कार्बन जो है इसके ऊपर इस वक्त कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो ये कैनिजैरो रिएक्शन शो कर सकती है। और एल्डिहाइड का इसका भी उसी तरह कि एक मॉलिक्यूल में ये जो एक कार्बन है वो अल्कोहल में चलेगी और दूसरे में यही जो एल्डिहाइड वाली कार्बन है वो एसिड में बदल के साल्ट की शक्ल में हमें मिल जाती है। ये तो हो गए जी इसके दो तीन शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, आगे आ जाते हैं इसके मैकेनिज्म। शॉर्ट क्वेश्चन एक मैंने बताया डेफिनेशन और एग्जाम्पल, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन ये होता है, जस्टिफाई करें और इसका ऑक्सीडाइज रिड्यूस प्रोडक्ट लिखें, ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तीसरा शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है कि अल्डो इसका कैनिजर रिडक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है वो बता दे। इसमें मैकेनिज्म में फिर हमारे पास आता है पहला पॉइंट, इस जो स्टेप है कि बेस आपने ऐड की एल्डिहाइड के अंदर। अब पिछला जो अल्डोल वाला, अगर आपके जेहन में अल्डोल वाला देखें तो उसमें जब बेस ऐड की थी ना तो उसको ये अल्फा हाइड्रोजन मिल गई थी, इसलिए उसने उसको कैप्चर कर लिया, वाटर बना दिया और जो पिछला सी एच कार्बन थी उसके ऊपर माइनस चार्ज न्यूक्लियोफाइल वो बन गया और फिर न्यूक्लियोफाइल आगे दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर जाके अटैक करता था और ये रिएक्शन सारा चला था। अब इस केस में जब मैंने बेस ऐड किए तो बेस को अब अल्फा हाइड्रोजन तो मिल ही नहीं है, तो अब बेस एक आपकी माइनस चार्ज की वजह से न्यूक्लियोफाइल भी है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल फिर कहाँ अटैक करेगा, जो इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिल जाएगा, तो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाली जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इसलिए अब ये बेस यहाँ पे अटैक करेगी और ये डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा और ऑक्सीजन माइनस चार्ज में आ जाएगी। माइनस इसलिए आएगा ना क्योंकि ये माइनस चार्ज लेके आया बॉन्ड बनाने के लिए, इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो फिर ये पाई बॉन्ड के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है दोनों के दोनों ऑक्सीजन ले जाती है और उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एनायन जो है नेगेटिव चार्ज वाला आयन बन जाता है। ओके ओके, नेक्स्ट टाइम में क्या होता है कि ये जो माइनस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है ये वापस आता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है, वापस आके कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बना और ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ। ये ब्रेक डाउन होगा तो हाइड्रोजन जहां से निकलेगी वो एच माइनस की शक्ल में निकलेगी। देखो ना, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है ना, तो माइनस का मतलब ये कि दो इलेक्ट्रॉन ये लेके आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन लाने की जरूरत नहीं है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और फिर ये जो दो इलेक्ट्रॉन है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन यहाँ से लेके निकलेगी, तो वो निकलेगी एच माइनस की शक्ल में, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन भी लेके आई है और कार्बन का भी लेके आई है, तो एच माइनस हो गया, वो न्यूक्लियोफाइल हो गया। एच माइनस फिर जाके उधर वो कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाली कार्बन है दूसरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना हुआ उसके ऊपर जाके अटैक करती, क्योंकि एच माइनस है ना न्यूक्लियोफाइल बना हुआ, तो न्यूक्लियोफाइल वहां जाके कार्बन पे अटैक करता है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला टूट के ऑक्सीजन पे चला जाता है, वो माइनस बन जाता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे आएगी तो ये सी एच टू पहले था, एक हाइड्रोजन और आ गई तो सी एच थ्री हो गया और ओ माइनस हो गया। ठीक हो गया, और ये डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ होने की वजह से एसिड में बदल गया। ठीक हो गया, नेक्स्ट टाइम में हम कहते हैं कि यही जो आपके पास सी एच थ्री ओ माइनस बना, ये एसिड इसी एसिड में से ये एक हाइड्रोजन ले लेता है, हाइड्रोजन उसमें से ओ एच है ना, ये ओ एच के ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन ये वाली आयोनाइज एसिड है ना आयोनाइज हो सकती है, तो वो एच प्लस आयन की शक्ल में आई उसको इसने ले लिया तो ये अल्कोहल बन गई
और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, वो माइनस चार्ज भी जब बेस उसमें ऐड होती है वहां पे मौजूद है पहले से, तो वो बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट बना लेता है और ओएच माइनस आपको वापस कर देता है जो इसने शुरू में यूज किया था। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ओवरऑल इसका रिएक्शन आ जाता है कैनिजेरो रिएक्शन जो है। नेक्स्ट है जी हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म से क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयडोफॉर्म, हेलो हेलोजन से निकला हुआ ना, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में मेन यहां से मुराद आपका जो है वो आयडोफॉर्म, मेन इससे मुराद आपका आयडोफॉर्म। आयडोफॉर्म इसलिए कि ये जो क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म होते हैं ना वो तो लिक्विड होते हैं ना, और जो आयडोफॉर्म होता है वो सॉलिड होता है और येलो कलर में होता है। तो आयडोफॉर्म रिएक्शन को हम यूज करते हैं मुख्तलिफ कंपाउंड्स को टेस्ट करने के लिए, उनका आइडेंटिफाई करने के लिए, उनका पता चलाने के लिए। जैसे यहाँ पे आपके सामने है कि ये जो पहला उसने रिएक्शन दिया ना कीटोन के साथ, दूसरा फिर एल्डिहाइड के साथ। अच्छा कीटोन्स में ये अब याद रखना है एमसीक्यू के हवाले से ये पॉइंट कि जो कीटोन्स होती हैं ना सारी की सारी कीटोन्स जो हैं वो ये आइडोफॉर्म का टेस्ट नहीं देती। ठीक है, सारी की सारी कीटोन आइडोफॉर्म का टेस्ट नहीं देती। आइडोफॉर्म का टेस्ट सिर्फ वो वाली कीटोन देती है जिसकी कार्बोनाइल के एक तरफ CH3 ग्रुप मौजूद हो, इसको हम मिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं, मिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं, और इसको आप टू ओन भी कह सकते हैं क्योंकि वन टू दूसरे नंबर पे कार्बोनाइल आएगा, तो इसको टू ओन भी कह सकते हैं, इसको मिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं। तो कीटोन्स में से सिर्फ मिथाइल कीटोन टेस्ट देती, और कोई भी कीटोन ये आइडोफॉर्म का टेस्ट नहीं देती। तो इसका मतलब आपने अगर मिथाइल कीटोन को किसी भी और कीटोन से फर्क करना हो तो आप इस टेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट ये है कि जब आयोडीन, जो आपने एथानॉल और मेथानॉल की डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 11 में, कि आयोडीन से रिएक्शन करवाते हैं बेस की मौजूदगी में, तो एक कार्बन, ये इधर कितनी तीन कार्बन है, तीन में से एक कार्बन तो आयडोफॉर्म बनाने में इस्तेमाल होगी ना CH3, बाकी कितनी रहेगी दो, तो दो कार्बन का एसिड बना और वो बेस की वजह से साल्ट में बदल गया, साल्ट बना तो साथ वाटर भी आ गया और एक प्रोडक्ट हमें सोडियम और आयोडीन के साथ सोडियम आयोडाइड का भी मिल जाता है। तो ये आयडोफॉर्म साल्ट है, सोडियम आयोडाइड और वाटर है, बैलेंसिंग इसकी याद रखनी है। तो इस तरह 134, 11, 33। एक सौ चौंतीस, 11, 33 आपका ये इसकी बैलेंसिंग आ गई। एल्डिहाइड पे भी यही अप्लाई होगी, ये ऊपर एल्डिहाइड की एग्जांपल है उसमें भी 134, 11, 33 है, और कीटोन पे भी यही अप्लाई होगी। बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि एक कार्बन से आइडोफॉर्म बन गया, जितनी पीछे बच जाएंगी, जैसे इसमें दो हैं, एक तो आइडोफॉर्म में चले पीछे एक रहेगी ना, तो एक का आपने एसिड बना दिया HCOOH, लेकिन बेस की वजह से उसका साल्ट बना देना है, प्लस वाटर है, प्लस सोडियम आयोडाइड का एक प्रोडक्ट है। तो इनकी बैलेंसिंग 134, 11, 33 और कीटोन वाले भी 134, 11, 33। एमसीक्यू एक आपको ये बताया कि कीटोन्स में से सिर्फ मिथाइल कीटोन या टू ओन ये टेस्ट देते हैं और कोई कीटोन नहीं देती, और अल्डिहाइड में से ये वाहिद एसिटाल्डिहाइड है जो ये रिएक्शन देती है और कोई भी अल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देती। तो एसिटाल्डिहाइड को किसी भी और अल्डिहाइड से फर्क करना हो तो आप ये रिएक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह ये मिथाइल कीटोन को किसी भी और कीटोन से फर्क करना हो तो ये टेस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे इसने अल्कोहल्स के साथ भी दिया हुआ है। अच्छा अल्कोहल्स में हमारे पास तीन होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है और टर्शरी अल्कोहल होता है। टर्शरी अल्कोहल तो ये रिएक्शन देती नहीं है ना, वो तो वैसे ही साइड पे निकल गई, टर्शरी अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देती। फिर आ गई सेकेंडरी अल्कोहल, तो जिस तरह ये कीटोन में आपने कहा था कि एसीटोन या मिथाइल कीटोन जो है या टू ओन मिथाइल कीटोन या टू ओन ये टेस्ट देंगी, उसी तरह यहाँ पे भी सेकेंडरी अल्कोहल में भी वो अल्कोहल देंगी जिसमें ओएच ग्रुप दूसरे नंबर पे, यानी एक तरफ CH3 होना चाहिए तो ए दूसरे नंबर पे ओएच ग्रुप लगा, इसके आप टू ओल कह लें, यानी दूसरे नंबर पे ओएच ग्रुप है,
दूसरे नंबर पे अल्कोहल लगा हुआ है, तो टू ऑल जितने भी हैं वो सारे सेकेंडरी अल्कोहल वो वाली टेस्ट देंगी, उसके अलावा कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देती। तो टू ऑल जो है वो उसी तरह रिएक्शन करेगी आयोडीन बेस के साथ, तरीकेकार वही एक कार्बन हाइड्रोफॉर्म में चलेगी, पीछे जितनी रह गई उसका आपने एसिड बना के साल्ट बना लेना, साथ वाटर और साथ सोडियम आयोडाइड आ गया। बैलेंसिंग इसमें 146 1155 है, वही जो हमने 11वें चैप्टर में भी डिस्कस की थी, सेकेंडरी अल्कोहल की भी वही है, प्राइमरी अल्कोहल वाले की भी वही बैलेंसिंग है 146 1155। सेकेंडरी अल्कोहल में कौन सा टेस्ट देते हैं, वो जिनके दूसरे नंबर पे ओएच ग्रुप मौजूद हो, यानी टू ऑल जो है वो ये टेस्ट देते हैं, लेकिन जो प्राइमरी अल्कोहल है उसमें वाहिद एथानोल है जो ये टेस्ट देती है, और कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देती। ठीक हो गया। अब इसका मैकेनिज्म तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज इसमें कॉमन बता सकता हूँ इन चारों सारों में, यानी एल्डिहाइड, ये जो एसिटाल्डिहाइड सिर्फ टेस्ट दे रहा है, या मिथाइल कीटोन ये टेस्ट दे रही है, या ये सेकेंडरी अल्कोहल वाले टेस्ट दे रहे हैं, या ये एथानोल जो है सिर्फ वाहिद ये प्राइमरी अल्कोहल है जो टेस्ट दे रहे हैं, इन सारों में एक चीज कॉमन है, वो क्या, ये मिथाइल ग्रुप है, कि एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ मिथाइल है, ये कीटोन वाला जो फंक्शनल ग्रुप के साथ मिथाइल है, ये अल्कोहल वाले फंक्शनल ग्रुप के साथ मिथाइल है, इधर CH2OH CH2 पे जुड़ा हुआ है ना, और CH2 के साथ मिथाइल है, तो ये जो मिथाइल है ना असल में ये वाला आयोडीन से रिएक्शन हो के इसका तो ये CHI3 में बदल जाता है, और बाकी जो कार्बन होती है उनकी ऑक्सीडेशन होके वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन होके एसिड में बदल जाते हैं। इसमें एक और पॉइंट आप याद रख सकते हैं ये एमसीक्यू के तौर पे, कि जो आयोडीन के साथ आप ये आयोडोफार्म का आप टेस्ट कर रहे हैं ना, इसमें आप देखो ना जो आयोडीन है यहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, और प्रोडक्ट में जो आयोडीन है उसकी -1 है, आयोडीन की -1 है, और यहाँ जो अल्कोहल आपकी मौजूद है उसकी ऑक्सीडेशन हुई और वो एसिड में चला गया, या एल्डिहाइड वाला ग्रुप था तो वो भी ऑक्सीडेशन होके एसिड में, या कीटोन था तो ऑक्सीडेशन होके एसिड में, अल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन होके एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो यानी इसमें इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है, इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रही है, तो हम कहते हैं कि ये जो आपका रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन, ये एमसीक्यू के तौर पर मार्क कर लें कि ये रिएक्शन आपका एक तो रिडॉक्स रिएक्शन है नंबर एक। नंबर दो पे ये जो आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो रीजेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रीजेंट है ये रीजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा एजेंट है, तो आप कहेंगे कि सर ये वो एजेंट है जिसने इस पिछला जो कंपाउंड अल्कोहल था उसकी ऑक्सीडेशन करके उसको एसिड में कन्वर्ट किया, इसलिए हम कहते हैं जो आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो आप रीजेंट यूज करते हैं ये दोनों का मिक्सचर, वो असल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है जो अल्कोहल को या एल्डिहाइड कीटोन को एसिड में कन्वर्ट कर दे। ठीक हो गया। एक तो ये सारे एमसीक्यू हैं आपके यहाँ पे ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, इस तरह ऑप्शन चार दी हो, तो ये आपने याद रखना है कौन सी एल्डिहाइड टेस्ट देती है, कौन सी कीटोन देती है, कौन सी सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन सी प्राइमरी अल्कोहल है जो ये टेस्ट देती है, ये एमसीक्यू के तौर पर हो गया। ठीक हो गया। दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन इसका बनता है वो ये अगले पेज पे भी दिया हुआ है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है, उसका फायदा क्या है, तो हम कहते हैं कि जब आप आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड्स के साथ, कीटोन के साथ या अल्कोहल के साथ, तो इस टेस्ट को हम आयोडोफॉर्म टेस्ट का नाम देते हैं, और इसमें हमें येलो प्रेसिपिटेट मिलते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कंपाउंड जो है एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से फर्क करने के लिए हम इस टेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसने भी लिखा हुआ है आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज फॉर डिस्टिंग्विशिंग मिथाइल कीटोन फ्रॉम अदर कीटोन, मिथाइल कीटोन को दूसरी कीटोन से फर्क करना हो तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह एथानोल को मेथानोल से फर्क करना हो या दूसरी प्राइमरी अल्कोहल से, क्योंकि सिर्फ एथानोल ही ये टेस्ट देती बाकी कोई प्राइमरी अल्कोहल नहीं देती, इसी तरह एसिटाल्डिहाइड को दूसरी एल्डिहाइड से फर्क करने के लिए, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड सिर्फ टेस्ट देती बाकी कोई एल्डिहाइड नहीं देती, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी पास पेपर में आया हुआ है और एक्सरसाइज भी गालबन है, तो ये आपने जरूर इसको ना कर लेना। चले जी, आपके बेस कैटलाइज रिएक्शन मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट आपके जो है वो आते हैं ये एसिड कैटलाइज एडिशन रिएक्शन, वो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।